हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामिनेक्स। सो गाइस, आज हम और एक नए वैकेंसी के साथ वापस आ गए हैं। सो द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स। मतलब इंडियन नेवी ने अपने नोटिफिकेशन जारी किए हैं और जिस फॉर्म फिलअप करने का डेट है 25 फरवरी 2022 से लेकर इसका लास्ट डेट है 12 मार्च 2022। अनमेरिड मेन एंड वुमेन कैंडिडेट्स फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसके लिए जो भी आपके कोर्स रहेंगे वो एक्सटेंडेड नेवल ओरिएंटेशन कोर्स, नेवल ओरिएंटेशन कोर्स एनओसी रेगुलर, इसके अंडर आपके पोस्ट होंगे। अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने ब्रांच और कैडरे के थ्रू दिया गया है। जनरल सर्विस हाइड्रो कैडरे, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क। इसके वैकेंसीज है 40, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है और जिनका एज लिमिट है 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2000 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। नेवल अर्मेंट इंस्पेक्टरेट कैडरेट, इसके लिए आपका एज क्वालिफिकेशन है 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बिटवीन आपका बर्थ होना चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें 6 वैकेंसीज है और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीए बीटेक विद 60% मार्क इन एनी स्ट्रीम और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स। इसमें कैंडिडेट्स को 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और क्लास 10th और 12th में मिनिमम 60% मार्क इन इंग्लिश क्लास में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी, इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क। इसमें 6 वैकेंसीज है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है और आपका बर्थ 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2002 के बिटवीन होना चाहिए। ऑब्जर्वर और पायलट के लिए सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें ऑब्जर्वर के लिए 8 वैकेंसीज है, पायलट के लिए 15, ये मेल के लिए है और इसमें बर्थ आपका 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक, इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास और एमबीए विद फर्स्ट क्लास और बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन और एमएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास। इसमें 18 टोटल वैकेंसीज है, ये सिर्फ मेल के लिए है और इसमें आपका 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2003 तक आपका बर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशनल ब्रांच में, एजुकेशनल ब्रांच एजुकेशन में आपके 60% मार्क इन एमएससी मैथ्स ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन बीएससी, 60% मार्क्स इन एमएससी फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स विद मैथ्स इन बीएससी, 60% मार्क्स इन एमटेक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फ्रॉम कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिकल सिस्टम इंजीनियरिंग मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन और मैकेनिकल डिजाइन। इसमें अलग अलग आपके पोस्ट दिए गए हैं, ये पोस्ट दोनों के लिए है मेल और फीमेल के लिए और इसमें एज क्राइटेरिया अलग अलग दिया गया है एजुकेशनल ब्रांच के थ्रू। तो नेक्स्ट है टेक्निकल ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस जीएस, इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा बीए बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क इन मैकेनिकल और मैकेनिकल विद ऑटोमेशन मरीन इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्शन एरोनॉटिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग एरोस्पेस ऑटोमोबाइल्स मेटलर्जी मैकेट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसमें आपके वैकेंसीज होगी 15, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है और आपका इसमें एज लिमिट होगा 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस जीएस, इसमें बीई बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स और इसमें आपकी 30 वैकेंसीज होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए है और इसमें भी आपका बर्थ 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। मर्चेंट नेवी पर्सनल के रिगार्डिंग भी इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन आप
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर के लिए CPL इशू DGCA इंडिया आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका जन्म 2 जनवरी 1998 के 8 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। NCC कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे 5% कट ऑफ मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया गया है अगर आपके पास NCC से सर्टिफिकेट होता है तो। उसके बाद है हु कैन अप्लाई। कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड और इन फाइनल ईयर विथ मिनिमम 60% मार्क इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA और कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेंड इन ए डिग्री इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA सिस्टम फ्रॉम सच अ फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन। इसमें दिया गया है कि INA ज्वाइनिंग करने से पहले कैंडिडेट्स का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है ओनली वन एप्लीकेशन कैन बी फिल बाय कैंडिडेट। कैंडिडेट्स के थ्रू ओनली वन एप्लीकेशन ही आपको भरने के लिए अलाव है। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो शॉर्टलिस्ट, जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो आपके क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स के ऊपर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। BA BTech फॉर कैंडिडेट्स जिन्होंने भी फाइनल ईयर में है उनके फिफ्थ सेमेस्टर के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे SSB शॉर्टलिस्टिंग में। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में भी सेम होगा, यहाँ भी आपके फिफ्थ सेमेस्टर के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे अगर आप लास्ट ईयर में हो तो। उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट जो भी आपकी होगी वो SSB मार्क्स के बेस पर रहेंगी। SSB मार्क्स के थ्रू आपकी मेरिट लिस्ट लगेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड। 3 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आप www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके फॉर्म फिलअप करने की डेट 25 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आज के वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स। सो गाइज, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हम अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।